दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया। कंपनी का दावा है कि ये बाइक एक अलग अनुभव देने वाली है। इस बाइक से पेट्रोल आयात, हानिकारक उत्सर्जन, पेट्रोल की ऊंची कीमतों और चार्जिंग स्टेशन खोजने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। फीचर्स: फ्रीडम 125 सीएनजी के साथ ही पेट्रोल से भी चलेगी। बाइक चलाते समय केवल एक स्विच दबाकर पेट्रोल से सीएनजी पर जा सकते हैं या सीएनजी से पेट्रोल पर आ सकते हैं। 2 किलो का सीएनजी टैंक भरवाने पर यह बाइक 200 किलोमीटर तक फर्राटा भर सकती है और 2 लीटर पेट्रोल में 130 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। यानी दोनों टैंक पूरे भरवा लें तो एक बार में बाइक 330 किलोमीटर तक दौड़ जाएगी। इस बाइक में लंबी सीट लगी है जिसकी लंबाई आम 125 सीसी मोटरसाइकिल की सीट से 26% ज्यादा है। फ्रीडम 125 पर्यावरण का भी ख्याल रखेगी और पेट्रोल बाइक की तुलना में इससे 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसी तरह मीथेन रहित हाइड्रोकार्बन का 85% और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 43% कम उत्सर्जन होगा। कीमत: कंपनी के अनुसार फ्रीडम 125 3 वेरिएंट और 7 रंगों में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 95,000 से लेकर 1,10,000 रुपए के बीच होगी। बजाज कंपनी का दावा है कि शुरुआत में हम हर महीने 10,000 फ्रीडम 125 बाइक बनाएंगे और चालू वित्त वर्ष के अंत तक क्षमता बढ़ाकर 40,000 प्रतिमाह कर दी जाएगी। फ्रीडम 125 की बुकिंग शुरू हो गई है और ग्राहकों को इसकी डिलीवरी इसी महीने से होने लगेगी। शुरुआत में यह बाइक महाराष्ट्र और गुजरात में उपलब्ध होगी और फिर देश के अन्य राज्यों में भी उतारी जाएगी।